हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर मैं आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस चैनल जिसका नाम है मस्त वाली फिजिक्स। स्टूडेंट्स, हम लोग अपने इस चैनल पर डिस्कस करते हैं फिजिक्स के बेहद कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स को। तो आज इसी सीरीज में मैं आप सबके सामने लेकर के हाजिर हूं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन जो कि लिफ्ट में इस तरीके से यहाँ पर खड़ा है, उस पर्सन के नीचे एक वेट मशीन है। वेट मशीन और लिफ्ट जिसको मैंने बॉक्स नाम दिया है, इसका कंबाइंड मास है 30 kg और बच्चों पर्सन का मास है 50 kg। यहां पर इस पुली से होते एक स्ट्रिंग को पर्सन ने अपने एक हाथ से समहाउ मैनेज किया हुआ। मैनेज इस तरीके से है कि पर्सन ने अपने आप को रेस्ट में मेंटेन किया हुआ, यानी सभी चीजें अपने पास स्टेशनरी। अब यहां पर हम लोगों को पर्सन का वेट मशीन पर आने वाले वेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए नो डाउट हम लोग काम में लेने वाले हैं अपना कंसेप्ट फ्री बॉडी डायग्राम। तो आइए चलिए हम लोग इस सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। लीजिए, देखिए मुझे यहां पे लिखना चाहिए एफबीडी ऑफ पर्सन। अब जब मैं पर्सन की एफबीडी यहां बना रहा हूं तो ये रहा अपने पास वो पर्सन, क्योंकि पर्सन ने स्ट्रिंग को होल्ड किया हुआ है और जहां भी स्ट्रिंग आ जाती है वहां पे हमें टेंशन फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। अब क्योंकि टेंशन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किस तरीके से होती है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके से पर्सन पर भी टेंशन कैसा लगेगा, अवे फ्रॉम द पर्सन, जिसका नाम मैंने दे दिया टी। अब इसी तरीके से पर्सन का अपना वेट है, पर्सन का वेट 50 × g, इट मींस 500 N जो कि होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि पर्सन अपने पास इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है तो प्लेटफॉर्म पर्सन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन हो गई अपवर्ड। अब क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस बैलेंस्ड है तो मुझे यहां लिखना चाहिए टी प्लस एन इज इक्वल टू 500, इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरीके से हम लोग बनाने जा रहे हैं एफबीडी ऑफ द बॉक्स। तो आइए देखिए, ये रहा बॉक्स। अब क्योंकि यहां ये बॉक्स स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है, वंस अगेन मुझे यहां पर टेंशन फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और नो डाउट इसकी डायरेक्शन इस बार भी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होने वाली है। अब देखिए, क्योंकि लिफ्ट का अपना खुद का वेट है, लिफ्ट का मास है 30 और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी से, तो आपके पास मिलेगा 300 N। अब क्योंकि लिफ्ट ने पर्सन पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है जो था एक्शन फोर्स, तो सिमिलरली पर्सन भी प्लेटफॉर्म पर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा जिसकी वैल्यू वंस अगेन कितनी होने वाली है, बस डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट होगी क्योंकि अपना ये बॉक्स भी स्टेशनरी है, स्टेशनरी। तो आइए हम लोग इसके फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने पर आप लोगों के पास मिलता है टी इज इक्वल टू एन प्लस 300, विच मीन्स T माइनस एन इज इक्वल टू 300 के, ये लीजिए हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्योंकि मुझे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, आइए देखिए हमें यहां पर T यानी टेंशन नहीं कैलकुलेट करना, हमें यहां पर कैलकुलेट करना है N जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। होता क्या है कि पर्सन ने इस प्लेटफॉर्म और इस वेट मशीन पर एक एक्शन फोर्स अप्लाई किया और जो पर्सन ने एक्शन फोर्स अप्लाई किया है वो ही इस वेट मशीन की वैल्यू यानी इसकी रीडिंग होने वाली है। तो आइए हम लोग एन को कैलकुलेट करते हैं। अब मैं यहां फर्स्ट माइनस सेकंड इक्वेशन लिखता हूं तो मेरे पास आने वाला है 2n, 2n इज इक्वल टू कितना 200, तो n आपके पास आ जाएगा 100 N। ये 100 N है अपने पास वेट मशीन पर इसकी रीडिंग, और अगर आप इसे मास में यानी कि आप इसे केजी में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपके इस पर्सन का जो मास आने वाला है यहां पर आने वाला है 10 kg। हो गया ना क्वेश्चन। थैंक यू सो मच बच्चों।